हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 12 बजे से। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए, कल जन्माष्टमी है तो देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं अभी हम। और मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, आज बहुत गर्म हो रहा है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। देखो गाइस, कुछ ऐसा मौसम हो रहा है आज, बहुत तेज़ धूप है। तो चलते हैं हम। ये हमारा घर है, प्यारा सा, देखो कितना प्यारा लग रहा है और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है। तो चलते हैं हम मार्केट की तरफ और फिर दिखाते हैं आपको कि हम क्या क्या सामान ले रहे हैं। तो शॉपिंग करते हैं जन्माष्टमी के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के मंदिर के वहां पे और अब हम जा रहे हैं यहां से सीधा मार्केट की। तो ये देखो दोस्तों, यहां पे कितनी अच्छी धान की खेती हुई है और आसमान में इतने प्यारे से बादल भी आए हुए हैं। तो ये हमारे गाँव का व्यू और ये हमारे गाँव का जो है लास्ट घर है। और अब हम यहाँ से सीधे रोड की तरफ एंटर होंगे। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी खेती हो रखी है यहाँ पे, कितना प्यारा व्यू। तो आज हमने रास्ता चेंज कर लिया है, तो हम सीधे वाले रास्ते से नहीं गए, हम इस वाले रास्ते से आए हैं। तो चलते हैं, फिर इधर का भी थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारा सा है। तो यहाँ से कुछ बच्चे आ रहे थे। अभी हम मेन रोड में पहुंच चुके हैं और मौसम भी बारिश आने का जैसा भी हो रहा है और धूप भी आ रही है हल्की हल्की। तो हम मेन रोड में पहुंच गए हैं अभी। अब जाते हैं यहाँ से सीधे मार्केट में और लेते हैं सामान। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी कि मैंने मार्केट से क्या क्या लिया, तो मैं घर पहुँच गई हूँ तो वीडियो बना नहीं पाई। तो मैं लेके आई थी ये लड्डू गोपाल की ड्रेसेस और ये झूला, तो कल जन्माष्टमी के लिए ये काम आएगा हमें। और ये लड्डू की शॉपिंग हुई है आज। तो ब्लॉग बहुत छोटा बन पाया है तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहीं से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 7 बजे से। और अभी सारा काम हो चुका है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, अब लड्डू को उठाते हैं और नहलाएँगे लड्डू को। आज लड्डू का बर्थडे है तो आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए फिर ले जाते हैं लड्डू को नहलाने के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने पूजा भी कर ली है और लड्डू को तैयार भी कर दिया है। तो आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है ना, इसलिए पूरा गोकुल तेरे जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आया है। तो ये मैंने डेकोरेशन किया था यहाँ पे और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल, तो इनको मैंने रेडी कर दिया है, ये देखो। और ये रहा इनका झूला जो मैं इनके लिए लेके आई थी। और न्यू ड्रेस भी पहनी है आज इन्होंने, तो रात को फिर से पूजा के वक्त इनकी ड्रेस चेंज करेंगे। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। चलो फिर अब चलते हैं, पूजा हो चुकी है हमारी। अभी मैं बना रही हूँ आपे को लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद, तो देखते हैं क्या क्या बनता है। तो बनाऊंगी, अभी मैं पंजीरी बना रही हूँ तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रहा सारा पंजीरी के लिए सामान, तो इसमें ये सारी चीज़ें चाहिए। ये घी का पैकेट है और ये रहे आलमंड, तो इनसे बनती है पंजीरी। तो चलिए बनाते हैं और फिर दिखाती हूँ। रेडी हो चुकी है हमारी पंजीरी और एक और बनाई है मैंने, तो भी दिखाती हूँ। ये रही दूसरी पंजीरी और ये रहा मक्खन, मैंने बना के इसे फ्रिज में रख दिया है तो बाद में निकालेंगे, अब ये ठंडा होने के लिए रखा है। मैंने लड्डू को यहाँ पे भोग लगा दिया है पंजीरी का, ये रही पंजीरी। तो अब सीधे शाम को पूजा करेंगे, उसके बाद रात के 12 बजे हम पूजा करेंगे, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने यहाँ पर कर लिया शाम के प्रसाद की तैयारी, अभी मैंने बना लिया है खीर और सारी सब्जियां बन चुकी हैं, पूड़ी बनानी है, बड़े बना रही हूँ मैं अभी। तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया है भूख के लिए। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पे लड्डू के लिए भोग रेडी हो चुका है, तो चलिए फिर इसे मंदिर में रख के आते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू को भोग लगा दिया है, अब लड्डू को कपड़े वो करके उनको फूलों में ढकते हैं। इस तरह से हमने लड्डू गोपाल को ढक दिया है पूरा फूलों से और यहाँ पे एक खीरा रख दिया है। अब इसको एक चुन्नी से पूरा कवर कर देंगे, तो चुन्नी से इसको कवर करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को पूरा कवर कर दिया है। तो अभी हम सीधे रात के 12 बजे पूजा करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और टाइम भी होने वाला है, तो करते हैं मंदिर में जाके पूजा। तो पूजा भी हमने कर ली है और लड्डू की ड्रेस चेंज करके सब कुछ इनको नहला धुला के इनको भोग भी लगा दिया है। तो अभी लड्डू गोपाल और भी प्यारे लग रहे हैं, न्यू ड्रेस फिर से पहनी है रात के टाइम पे। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ इनके, मतलब थोड़ा थोड़ा फ़ोटो शूट करिए वो आपको दिखाती हूँ।